और मेरा नाम रमेश बलानी है जी, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका से, फ्रॉम जलालाबाद और स्टेट पंजाब से हैं। सर कौन सी टीम में खेलते हैं आप? मैं जी बेसिकली ऐसे है कि मेरी जर्नी में मैं केकेआर के साथ जुड़ा हूँ, ठीक है जी, आईपीएल में, और उनके साथ 2022 में मैं जुड़ा था। और मैं लास्ट ईयर मैंने गुजरात टाइटन के साथ कैंप वगैरह लगाए थे सभी, और इस साल देखते हैं ऑक्शन में क्या बनता है जी। मैं डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नहीं खेला हूँ, उसके लिए मैं सीधा डायरेक्ट आईपीएल में आया था। प्लेयर्स देखो जी, जैसे मेरे साथ जुड़े थे साहिल भाई के नज़रिए से मैं यहाँ पे आया हूँ। उनके साथ उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था, और अजय भाजी ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, साहिल भाई ने कहा था, तो मैं अब इनके साथ खेल रहा हूँ। तो मुझे देख के तो इनको भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है जी, क्योंकि जो लड़का टेनिस क्रिकेट खेल खेल के डायरेक्ट आईपीएल में खेला है, तो क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है जी। ऐसे ही नहीं, हमारे जीवन में हम सोचें कि कुछ नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। तो बस जर्नी में यही सोचना है कि कुछ करना है तो फिर बड़ा करो, तो सोच उसके सोच पे ऊपर है सब कुछ जी। जितना अच्छा करोगे तो उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करेंगे तो जरूर खेलेंगे। बस बच्चों के यही है कि हमेशा अच्छी क्रिकेट मिलती जाए, तो बिल्कुल प्लेयर बनने में इतना कुछ नहीं है, बस उनकी मेहनत जरूरी होनी चाहिए, उनकी लगन होनी चाहिए। तो मेरी हमेशा लिए दुआ यही रहेगी कि अच्छे खेलें और इंडिया के लिए खेलें, ये अपने घर का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। रमेश जी हैं बेसिकली, ये पंजाब से हैं, आईपीएल के राइट प्लेयर रहे हैं, तो हमें बहुत ऑब्वियसली हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पे आए हैं, हमारे बच्चों के साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया, इन्होंने बड़े सारे मतलब अपने जो हैं कहते हैं कि साझा किया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ, तो हम लोग हैप्पी हैं बिकॉज कल को हमें कोई भी अगर कुछ एडवांसमेंट चाहिए तो इनके थ्रू हमें पता चल रही है, सो दैट्स व्हाई हम इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैम देखते हैं यहाँ आईपीएल के प्लेयर, नेशनल प्लेयर यहाँ पहुँच रहे हैं आपकी एकेडमी के, और बच्चों को अच्छे से गुर सिखा रहे हैं, क्या आने वाले फ्यूचर में और भी यहाँ प्लेयर आ सकते हैं? डेफिनेटली आएंगे, डेफिनेटली। कठुआ इतना भी हम पहले वाली बात नहीं रही है, अब कठुआ बहुत आगे निकल चुका है, और हमें बड़ी खुशी है कि हम लोग कठुआ का पार्ट है, और हम इन्हें बेटर से बेटर देने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट हमारे कोचेज जो है वो बेटर से बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं एजे क्रिकेट अकेडमी का कोच हूँ। हाँ, ये आईपीएल प्लेयर को बुलाया था हमने, रमेश कुमार जी को, और अच्छा लगा, इन्होंने हमारे प्लेयर्स को मोटिवेट किया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी से मोटिवेट होंगे तो आगे खेल पाएंगे, इसलिए हम आगे भी अपनी कोशिश करेंगे कि और प्लेयर बुलाएं और इनको प्रोत्साहन दें। दो तीन बच्चे खेल चुके हैं हमारे अकेडमी के, और अभी स्टेट के लिए भी सिलेक्ट हुए हैं, एक अभी जस्ट पंजाब से सिलेक्ट होके आया, अनीश धोत्रा नाम है उसका, वो भी उसको मैचेस नहीं मिले लेकिन वो सिलेक्ट होके आया। फ्यूचर में यही है कि अब हमारी तो यही एफर्ट्स है कि यहाँ के सारे ही बच्चे आगे निकलें, और हम पूरी कोशिश करेंगे।